डील दे ना तू और डील दे तेनू डील दे जदों लगे मंजा रे ढील दे वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो जो भी नए पुराने लोग देख रहे हो सबको वेलकम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर सेफ एट योर प्लेस। क्योंकि दो तीन दिन से जो कोरोना के केसेस हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, 2,000 से 2,500 केसेस आ रहे हैं रोज के आ रहे हैं जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं रोज चेक करती हूँ। आज भी आई थिंक 2,400 या 2,500 केसेस आए हैं। सो प्लीज मेक योर सेल्फ सेफ, जो भी छोटे बड़े जो भी मिडिल एज जो भी हैं सब अपने आप को सेफ रखो। छोटे बच्चों को स्पेशली आपको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको उनका ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो मॉकी पॉक्स का भी मैं सुन रही हूँ, वो भी उसके भी केसेस कम है लेकिन अभी इतने नहीं है, लेकिन हाँ वो भी बढ़ रहा है। सो मेक योर सेल्फ सेफ, दैट्स इट। सो अभी दोपहर हो रही है, सो लाइक उठ के पहले मैंने जो भी नाश्ता वगैरह करके एंड शैनन को मैंने सेट वेट कर दिया, मतलब इसको मैंने नहला दिया है और इसको सेट करके ना मैंने रेडी करके उसको बिठा दिया है। तो आजकल क्या होता है उसके ना दो पोनी होती है यहाँ पे और बहुत ही क्यूट लगती है। उसके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, जो पहले से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा कि शैनन के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, बहुत ज़्यादा यू नो डेंस भी हैं, डेंस एंड कर्ली बोथ है। तो उसके यू नो ऐसे थोड़े वो ही कर्ली हेयर में काफी बढ़ रहे हैं, तो उसके यहाँ पे दो पोनी होती है तो वो मैंने उसको करी है। सो अभी पहले वो देखो देखा, बहुत ही ज्यादा शरारतें करती है वो, मतलब वो आजकल इतनी ज्यादा शरारती हो रही है, इतनी ज्यादा बच्चे इस तरीके से करते हैं, उनकी ये स्टेज है अभी ऐसे करने वाली। सो यस, अभी आपने देखा होगा जो फर्स्ट क्राई से मैंने काफी सारे कपड़े मंगाए थे वही मैं इसको अभी डाल रही हूँ। एंड सबके सब मतलब मोस्टली मेरे 99% जो क्लोथ्स होते हैं शैनन के वो बेबी हक के ही होते हैं क्योंकि मुझे उसका स्टफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मेक श्योर चेक दैट व्लॉग एज वेल। एंड अगर फर्स्ट क्राई पे किसी को नहीं शॉप आउट करना आता कि वो किस तरीके से शॉपिंग करें कि उनको कपड़े सस्ते पड़े, सो मेक श्योर यू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर। क्योंकि लिटरली मैं जो भी कपड़े मंगाती हूँ ना मैं बहुत सस्ते मंगवाती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मैं महंगे कपड़े नहीं मंगवाती क्योंकि बच्चों के महंगे कपड़े लेना या मंगवाना जो वो बेवकूफ़ है क्योंकि बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है सो वो वेस्ट आता है। सो इट्स बेटर टू नॉट टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स फॉर बच्चे जो भी होते हैं, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, दैट्स व्हाट आई डू। क्योंकि अभी क्या है जो मैंने उसके 9 to 12 मंथ के मंगवाए थे वो भी इवन उसे छोटे हो रहे हैं, सो मैं यू नो रोज ही उसको डाल देती हूँ क्योंकि दिन में वो दो तीन कपड़े चेंज होते ही होते हैं, तो मैं उसको डाल देती हूँ। क्योंकि अब जो मैं मंगवाऊंगी वो 12 to 18 मंथ्स के मैं उसके कपड़े मंगवाऊंगी, सो एक्सपेंसिव इसीलिए मैं नहीं मंगवाती हूँ। एंड ऑल्सो मैं शैनन की क्यूट क्यूट वीडियोज़ जो हैं शैनन के पेज पे भी इंस्टाग्राम के और अपने पेज पे भी डालती हूँ। सो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो अभी तक नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आपको योर नेम दे दूंगी, इंस्टाग्राम जो नेम है और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप चेक कर सकते हो। सो इस बारे में मैंने आपसे कल के ब्लॉग में बात करी थी अबाउट Amazon,
ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो चल रही है अमेजोन पे, और बहुत अमेजिंग ऑफर्स हैं, बहुत ही जबरदस्त ऑफर्स आई हुई हैं। सो मैंने वहां से काफी सारा सामान मंगाया है, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। सो अभी तो मंगवाया है तो वो जब आएगा तभी शेयर करूंगी, बट बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑफर्स चल रही है। सो अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते हो, आपके दिमाग में नहीं है, तो मेक श्योर एक बार आप गो थ्रू करो, आप एक बार जाओ लिंक पे, आप देखो। मे बी कभी ऐसा होता है ना, हमारे दिमाग में यू नो प्रोडक्ट्स नहीं आते, लेकिन देख के हमें पता लग जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है या ये प्रोडक्ट मेरा खत्म होने वाला है और डिस्काउंट पे अच्छा आ रहा है तो मैं उसको मंगवा लेती हूँ या मंगवा लेता हूँ। सो मेक श्योर टू चेक दैट यू नो लिंक, आप देखो एक बार सेल पे जाके। सो बहुत अमेजिंग सेल है, सो सब चीजों पे है, नॉट ओनली ऑन ब्यूटी, पूरे जितना भी अमेजोन पे सामान होता है सब पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे सब पे है। सो मेक श्योर टू चेक दैट। एंड ऑल्सो आपने स्टार्टिंग में भी एक वीडियो देखी होगी जो मैंने लगाई है, वो 2 साल पहले की है यार, एंड मैंने बहुत एंजॉय किया था पतंग उड़ाते हुए। पतंग उड़ाना लड़कियों को भी कईयों को पसंद होता है, मुझे भी है यार, ठीक है। लास्ट टाइम तो मैं नहीं उड़ा सकी क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट, तो मैं नहीं उड़ा सकी थी। एंड ऑल्सो मेरा 9th मंथ था तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकती थी यार। सो कई लड़कियों को भी पसंद होता है। सो हम उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम कहना गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड अगर आप यू नो अपने आप को अच्छा डेक्ड अप करके रखना चाहते हो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी, सो उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगी। सो इसी वीडियो में मैं अटैच कर दूंगी वो वीडियो, ऑल्सो मैं वो शाम को यू नो थोड़ी देर में, शाम को थोड़ी देर में ही मैं उसको शूट करूंगी, एंड इसी वीडियो में मैं वो वीडियो जो है वो अटैच कर दूंगी। ऑलराइट, ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगेगी सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। ऑल्सो बहुत सारे ऑल्सो हो रहे हैं क्योंकि मुझे बार बार सब कुछ याद आ रहा है। मैंने 2 चैलेंजेस किए हैं विद कुलप्रीत, सो मेक श्योर टू वॉच, आगे आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कोई भी वीडियो आप मिस ना करो मेरी। ऑलराइट, सो चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ यू नो मैंने सोचा है, कुछ करा भी है, काफी चीजें मैंने यू नो शूट करी हुई हैं, तो वो मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच फन, फॉर मोर वीडियोस। एंड ऑल्सो मैंने जैसा लिखा था कि मस्ती वाले वीडियोस आने वाले हैं, सो यस मस्ती वाले वीडियो आपके ऑन द वे है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बस मैं यही बोल रही हूँ। और आप शेयर भी कर दो वीडियो ताकि बाकी सब भी यू नो वीडियो को देखें एंड सब्सक्राइबर बढ़े एंड चैनल का कुछ हो। ऑलराइट, सो या बाय, अभी आपको वीडियो देखो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ मिनी ट्यूटोरियल, ठीक है। सबसे पहले हम कपड़ों से स्टार्ट करते हैं। अगर आप व्हाइट कलर का टी शर्ट या कुर्ता कुछ भी डालोगे दैट विल बी द बेस्ट थिंग। मेरे पास नहीं है अभी इस टाइम पे, बट आई एम फाइंडिंग द टी शर्ट जिसके ऊपर फ्लैग बना होगा, तो मार्केट में जाके लोकल मार्केट से ही लूंगी, ऑनलाइन नहीं बाय करूंगी क्योंकि साइज का इशू हो सकता है। सो मैं मार्केट में जाके बाय करूंगी। इंडिपेंडेंस डे वाला व्लॉग जब आएगा उसमें आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, तो ओके, सो अभी मैंने डाला है ऑरेंज, तो आप ऑरेंज या व्हाइट डाल सकते हो, व्हाइट विल बी बेस्ट एज आई सेड। ग्रीन मैंने किसी को कभी नहीं डाले देखा है, सो आई थिंक आई विल सजेस्ट ऑरेंज और व्हाइट, ठीक है। ओके, सो अभी हम देन हम आते हैं स्किन पे। सो लाइक यू नो उस टाइम पे गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत ज्यादा होती है, सो सन से हमको याद आती है सनस्क्रीन, विच इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ और आप लगाओ ना लगाओ, बट आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। बॉयज गर्ल्स कोई भी हो, आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, मेरी स्किन केयर जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, स्किन केयर मैं कर चुकी हूँ, सो अब मैं सीधा स्टार्ट करूंगी सनस्क्रीन से। ऑलराइट, सो आई हैव दिस वन लोटस सन सेफ विटामिन सी मैट जेल, दिस इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, बेस्ट इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, बहुत ही अमेजिंग है ये वाली। सो ये मैं थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। ओके, सो बॉडी के ऊपर तो आप उस दिन अप्लाई कर सकते हो, अभी मैंने बॉडी पे अप्लाई करी हुई है बट मैंने मॉर्निंग में करी थी, सो अभी मैं फेस पे करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो फेस पे करते हैं फटाफट। ये एकदम से ना आपकी स्किन के अंदर चली जाती है और बहुत ही अच्छा आपको स्किन पे एक इफेक्ट देती है, और ऑयलीनेस जो है बिल्कुल भी आपके फेस पे नहीं दिखती है। सो एक मिनट का आपको टाइम देना है इसको लगाने के बाद, और उतनी देर में आपको बताती हूँ कि इट विल बी बेटर अगर आप ऊपर यू नो कुछ ऐसा जूड़ा टाइप कर लो, बाल यू नो नहीं खोले जाते, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खोले जाते। मेरे को आप वैसे नॉर्मली यू नो जूड़े में ही देखोगे, बाल खुले हुए आप मेरे बहुत ही ज्यादा कम देखोगे क्योंकि यू नो गर्मी मुझे बहुत 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 ज्यादा लगती है, और उस दिन तो बहुत ही ज्यादा होती है, दिन के टाइम पे तो वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। सो आपको एक मिनट का वेट देना है, ठीक है।
सो जितनी देर हम वेट करेंगे उतनी देर में हम आईब्राउ कर लेंगे। सो मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्राउ पैलेट, ठीक है। इसमें सबसे डार्कर शेड में यूज कर रही हूँ, बाकी शेड्स आप किसी भी और चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही अमेजिंग है, इसका बहुत मतलब आपको वन स्ट्रोक में ना एकदम आपको लुक पता लग जाएगी। एंड आईब्राउ फिल इन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे आपका फेस एकदम से लिफ्ट अप लगता है। आई ऑलवेज प्रेफर जो पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत एप्लीकेशन में थोड़े ज्यादा इजी लगते हैं। सो मेरी सनस्क्रीन ठीक है ओके हो चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लैक्मे ल्यूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विद हाइलाइटर। सो अपने फेस को हमको डल नहीं दिखाना है उस दिन, सो हम मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, वो भी इल्यूमिनेटिंग वाला, लाइक हाइलाइटर वाला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर का काम भी होगा और फेस पे हमारा ग्लो भी आ गया। सो डिड यू नोटिस, एकदम से मेरा फेस जो है इल्यूमिनेटिंग हो गया, हाइलाइटिंग हो गया, मतलब एक अलग सा ना ग्लो सा आ गया इसके साथ। ओके सो नाउ नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद मैं कुछ भी अप्लाई करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि यू नो अगर आप कुछ भी अप्लाई करोगे, लाइक आप कंसीलर भी अप्लाई करते हो, पाउडर लगा लेते हो या फाउंडेशन लगा लेते हो, यार कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उस दिन गर्मी होगी। आप अगर यू नो छत पे जा रहे हो बाहर घूमने, घर पे बैठे हो तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हो, छत पे जा रहे हो, यू नो पतंग वगैरह उड़ाने के लिए, कोई कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ भी यूज कर लो, सिर्फ एक मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा लो, इनफ है। सो मैं ऐसे ही मतलब ठीक है यार, अगर एक्नेज है दिस इज द नेचुरल स्किन, इट्स फाइन। कभी कभी आपको थोड़ा नेचुरल भी दिखना चाहिए, आपको हमेशा सब कुछ फेस पे नहीं लगाना चाहिए, बट यस थोड़ा सा लिफ्ट अप, थोड़ा सा एनहांस करने के लिए अपने फेस को मैं मस्कारा यूज करूंगी। एज आई सेड कि मैं अभी रिसेंट डेज में ना मुझे आईलाइनर इतना अच्छा लग रहा है, मुझे मस्कारा बहुत अच्छा लग रहा है, सो इसलिए मैं सिर्फ मस्कारा अप्लाई करती हूँ टू गिव अ डिफरेंट लुक ऑन माई फेस, क्योंकि हमेशा आईलाइनर अप्लाई करके ना मुझे एक सेम फेस दिखता था, सो इसीलिए आई एम गोना अप्लाई मस्कारा। मेरी जो वैसे लैशेज है ना वो ऑलरेडी आप देखोगे काफी ज्यादा यू नो लेंथनिंग है और काफी कर्ल है, तो मुझे इतना ज्यादा नीड नहीं पड़ती है मस्कारे की, बट दीज डेज लाइक आई एम लविंग इट यार, आई एम लिटरली लविंग द मस्कारा लुक। आप चाहो तो यू नो व्हाइट काजल लगा सकते हो, बट आज मैं नहीं लगाने वाली हूँ, मतलब कि मैं शायद उस दिन नहीं लगाऊंगी। आई एम लाइकिंग दिस नेचुरल लुक ओनली। सो मस्कारा से हल्का से ना आपका फेस जो है थोड़ा सा लिफ्ट अप हो चुका है, मतलब थोड़ा एनहांस हो चुका है। ऑलराइट, सो इसके अलावा जो एक यू नो चार चांद लगाएगी एक चीज, वो होगी आपका लिप कलर। सो लिप कलर मैं ऑरेंज ही अप्लाई करूंगी, कोई न्यूड शेड नहीं, कुछ नहीं, ऑरेंज ही मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सो येस इट्स ऑल डन, येस दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू डू ऑन दैट डे। और लेकिन मैं उस दिन कुछ व्हाइट कलर का यू नो डालूंगी, क्या पता यही डाल लो यार, कोई भरोसा नहीं। अगर मुझे टी शर्ट नहीं मिली तो मैं यही वाली कुर्ती डालूंगी। तो येस दिस इज इट। सो मैंने डार्क शेड क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि अगर मैं लाइट शेड अप्लाई करूंगी तो फेस मेरा डल लगेगा। सो हमने कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किया है, तो अपने फेस को लिफ्ट अप करने के लिए, एनहांस करने के लिए हमें डार्क शेड ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑरेंज इज द बेस्ट कलर टू अप्लाई ऑन इंडिपेंडेंस डे। सो इसीलिए मैंने ये वाला शेड जो है मैंने अप्लाई किया है, जो कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो यस दैट्स इट। फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार जिनकी ऑयली स्किन है ना, पक्की बात है वो उनका ऐसे ऐसे करके ना यार खराब हो जाएगा बिल्कुल। सो आई प्रेफर, और मैं 110% यही बोलूंगी कि आपको उस दिन फाउंडेशन, पाउडर, कंसीलर कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बी नेचुरल, इस तरीके से रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड जो आपको मस्कारा वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि यार मेरी तो ये हालत होती है कि अगर पसीना मुझे आता ना, अगर मैं वाटर प्रूफ ना लगाऊं, कभी जब मैं नहीं लगाती थी, अब तो सब कुछ मेरे पास वाटर प्रूफ होता है, तो जब मैं नहीं लगाती थी तो मस्कारा भी ऐसे आ जाता था। सो डोंट अप्लाई, ठीक है। तो ना ही अप्लाई करो, नेचुरल रखो स्किन को, अपना एंजॉय करो, पतंगे उड़ाओ या बैठो, खाओ पियो, जो भी करना आपको करो। सो येस दैट्स इट। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, और आई होप आपने ब्लॉग भी जो है वो मेरा एंजॉय करा होगा। एंड जो पहले सबसे पहले मेरी वीडियो डाली थी वो भी आपने पक्की बात है एंजॉय करा होगा, करी होगी, ठीक है। सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।